गाइस क्या आप लोगों को पता है कि 2010 में यूनाइटेड स्टेट एयरफोर्स ने कुल मिलाकर 1760 प्ले स्टेशन 3 गेमिंग कॉन्सोल्स खरीदे थे, और वो जो गेमिंग कॉन्सोल्स थे गेम्स खेलने के लिए तो बिल्कुल नहीं थे, वो थे एक सुपर कंप्यूटर बनाने के लिए। यस गाइस, वो सुपर कंप्यूटर बनाने के लिए उन्होंने 1760 गेमिंग कॉन्सोल्स खरीदे थे। ऐसा इसलिए किया गया था क्योंकि वो एक तो कॉस्ट एफिशिएंट थे और साथ ही साथ बहुत ज्यादा पावरफुल भी थे। गाइस अगर आपको ऐसे ही और भी फैक्ट्स के बारे में जानकारी चाहिए तो यार इस वीडियो को एंड तक देखना, काफी सारे फैक्ट्स जो है वो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त ऋतिक कुमार गौतम। कैसे आप सभी लोग, कमेंट करके जरूर से बता देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, अपना टाइम वेस्ट किए बट उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटे के आइकन को जरूर से दबा देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टाइम वेस्ट किए। गाइस बढ़ते हैं अपने सेकंड नंबर फैक्ट की तरफ। तो क्या आप लोगों को पता है कि जब भी आप iTunes के टर्म एंड कंडीशंस को एग्री करते हो तो आप वहां पे एक कंडीशन को एग्री करते हो, टर्म को एग्री करते हो, जो होता है कि आप किसी भी म्यूजिक का जो आपको iTunes में मिलेंगे उनका इस्तेमाल नहीं करोगे बायोलॉजिकल वेपर बनाने के लिए, न्यूक्लियर वेपर बनाने के लिए, या फिर कोई और ऐसा ही खतरनाक वेपन बनाने के लिए आप इन म्यूजिक का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करोगे। वैसे अगर करता भी तो क्या वो मतलब जो आतंकवादी होता वो इनसे पूछने आता एप्पल वालों से, मेरे को कमेंट्स में जरूर से बता देना। गाइस बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट फैक्ट की तरफ जो कि है, क्या आप लोगों को पता है कि हर महीने गूगल पे कितने सर्चेस होते हैं, मेरे को कमेंट्स में जरूर से बताना अगर आपको पता हो तो, और अगर नहीं पता तो। यार गाइस हर महीने 35 बिलियन अप्रोक्सीमेटली सर्चेस गूगल पे किए जाते हैं, तो इसमें कितने जीरो आते हैं, 4, 5, 10, 15 जितने भी जीरोस आते हैं मेरे को कमेंट्स में जरूर से बता देना। गाइस बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट फैक्ट की तरफ। तो क्या आपको पता है कि गूगल का फर्स्ट ट्वीट ट्विटर पे क्या था? गाइस काफी था फनी ट्वीट था एक्चुअली, वो एक था बाइनरी कोड, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये बाइनरी कोड जो है किया था गूगल ने फर्स्ट टाइम ट्विटर पे। अब इसका मतलब जो है इंग्लिश में वो है भाई आई एम फीलिंग लकी, आई डोंट नो व्हाई बट गूगल ने एक बाइनरी कोड जो है ट्वीट किया था फर्स्ट टाइम ट्विटर पे। अब जिन लोगों को नहीं पता कि बाइनरी कोड क्या होता है, तो जिस तरीके से हम लोग जो है इंग्लिश में बातें करते हैं, हिंदी में बातें करते हैं, जिस तरीके से हमारी एक लैंग्वेज होती है उसी तरीके से कंप्यूटर्स की मशीन्स की एक लैंग्वेज होती है जिन्हें हम कहते हैं बाइनरी लैंग्वेजेस, ठीक है। तो इन्हीं बाइनरी लैंग्वेजेस में होते हैं बाइनरी कोड्स जो कि कुछ इस तरीके से दिखते हैं, 0 1 1 0 0 0, ठीक है, तो आप देख सकते हैं। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट फैक्ट की तरफ। गाइस क्या आप लोगों को पता है कि फर्स्ट कॉल कब की गई थी? यस गाइस, जो हमारी फर्स्ट कॉल की गई थी वो न्यूयॉर्क सिटी से की गई थी, जो कि हमारे मोटरोला के एक एम्प्लॉय ने की थी जिसका नाम था मार्टिन कूपर, और जो ईयर था वो था 1973। गाइस बढ़ते हैं नेक्स्ट फैक्ट की तरफ। तो क्या आप लोगों को पता है जिस फेसबुक को आप पूरे दिन यूज करते रहते हो उस फेसबुक पे डेली अप्रोक्सीमेटली 300 मिलियन फोटोज अपलोड किए जाते हैं? यस गाइस, इट्स अ ह्यूज नंबर, ठीक है, और साथ ही साथ 800 मिलियन लाइक्स किए जाते हैं डेली के डेली, एंड जो लव वाले रिएक्शन होते हैं ना, जो दिल वाला जो रिएक्शन होता है वो होता है 175 मिलियन पर डे, ठीक है, इतने रिएक्शंस आते हैं फोटोज पे, पोस्ट पे जो फेसबुक है उस पर। गाइस बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट फैक्ट की तरफ। तो क्या आप लोगों को पता है कि दुनिया का सबसे महंगा नंबर कौन सा था? यस गाइस, सबसे महंगा मोबाइल नंबर कौन सा बिका था? तो गाइस जो हमारी कतार टेलीकॉम्स है ऑब्वियसली कतार से ही बिलोंग करती है, तो उसने एक चैरिटी ऑक्शन रखा था जिसमें उन्होंने 666666 ये नंबर बेचा था 2.75 मिलियन यूएस डॉलर्स में। यस गाइस, क्या आप लोगों को ये बात पता थी? मेरे को कमेंट्स में जरूर से बताना। गाइस बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट फैक्ट की तरफ। तो क्या आप लोगों को पता है टिम बर्नर्स-ली जिन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वाइड पेज बनाया था वो अब भी चालू है, यानी कि एक्टिव है फर्स्ट वर्ल्ड वाइड वेब पेज, ठीक है, www वाला जो पेज होता है वो अब भी जिंदा है। तो अगर आपको देखना है तो ये वेबसाइट आपको दिख रही होगी, अदरवाइज आपको डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक मिल जाएगी, तो आप वहां पे जाके देख सकते हैं कैसा था फर्स्ट वर्ल्ड वाइड वेब पेज। गाइस बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट फैक्ट की तरफ। ये जो फैक्ट है काफी द मोटिवेटिंग फैक्ट है, एंड आपको ये जो फैक्ट है जरूर से लिख लेना चाहिए, कहीं दिमाग में बैठा लेना चाहिए, क्योंकि ये जो फैक्ट है एचपी गूगल एंड माइक्रोसॉफ्ट के बारे में, आप सभी को पता है ये कितनी बड़ी बड़ी कंपनीज है, एंड इनके बारे में एक चीज आज मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जितनी भी तीनों की तीनों कंपनियां हैं वो सारी की सारी एक गैराज से स्टार्ट हुई थी, ठीक है, अलग अलग गैराजेस थे इनके, तो वहां से यहाँ तक का सफर आप सोच सकते हो कितना मतलब मुश्किल रहा होगा इन कंपनीज के लिए, इन कंपनीज के मालिकों के लिए, ठीक है।
तो क्या आप लोगों को ये बात पता थी, मेरे को कमेंट्स में जरूर से बताना। तो गाइस बढ़ते हैं अपने फाइनल फैक्ट की तरफ, अपने 10 फैक्ट की तरफ। तो क्या आप लोगों को पता है कि एक गेमर सर्जन, यानी कि जो एक सर्जन होता है जो वीडियो गेम्स खेलता है, वो नॉर्मल सर्जन के कंपैरिजन में 37% कम मिस्टेक्स क्रिएट करता है एंड 27% फास्टर होता है एक नॉर्मल सर्जन के कंपैरिजन में जो कि गेम्स नहीं खेलता, ठीक है। तो क्या आप लोगों को ये बात पता थी, मेरे को कमेंट्स करके जरूर से बता देना। एंड आज के फैक्ट्स बस इतने ही थे, और अगर आपको ऐसे ही और फैक्ट्स देखने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, घंटे के आइकन को जरूर से दबा दो। एंड आपका फेवरेट फैक्ट कौन सा था इस वीडियो का, मेरे को कमेंट्स में जरूर से बता देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, आगे तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।